सलीम साहब आपके माध्यम से सारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 20 तारीख को जो वोटिंग होगी और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, मुंबा देवी में ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मार्जिन से जीत होगी, क्योंकि मुझको अपने लोगों पे पूरा विश्वास और भरोसा है। टक्कर ही नहीं है, मुझको अपने मतदाताओं पर, हमारे इलाके के लोगों के पर पूरा 100% विश्वास है, 100% भरोसा है। मैं उनमें का एक हूँ, मैं उनके साथ में 25 साल गुजारा है और आने वाले भी कई सालों तक इनके साथ में रहूँगा। आप किसी को किसी के दिल से नहीं निकालते, मैं इस इलाके के लोगों के दिल में बैठता हूँ। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका साथी हूँ। यहाँ से सैटेलाइट से आया हुआ उम्मीदवार चलने वाला नहीं है, आज तक नहीं चला है, आगे भी नहीं चलेगा। ये लोगों की आवाज़ जो है, मैं आवाम की आवाज़ हूँ, सच्ची मुंबा देवी की आवाम की आवाज़ हूँ और उनकी आवाज़ उठाता रहता हूँ। और मुझको पूरा यकीन है अपने लोगों पे, मेरे मतदाताओं पे, मेरे वोटर पे, मेरे साथियों पे, कि इस बार जब 23 नवंबर को मुंबा देवी का जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी मार्जिन से इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीतूँगा और माँ विकास अघाड़ी की सरकार बनेगी और माँ विकास सरकार के हम सब एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट आने वाले दिनों में देंगे इस इलाके को। आपका एजेंडा क्या रहेगा? अब की बार चौथी बार में वही जो मैं करता आया हूँ मैं करता रहूँगा। यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर, यहाँ पर हेल्थ के ऊपर, यहाँ पर हाउसिंग के ऊपर, यहाँ पर युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लाइफ है। ये काम ऐसे है जो ज़िंदगी भर चलते रहते और चलते रहेंगे। यहाँ इलाकों के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, लोगों को अच्छा घर देना, हमारी बहनों को सुरक्षा देना, हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत करना, उसके लिए मेरा लगातार काम चालू है और चालू रहेगा। सर महा यूपी के साथ लाडली बहनें हैं, क्या कहेंगे? अरे मेरे बहन, ये कौन सी बहन है? ये बहन तो ये है, बहन तो यहाँ पर है, ये हमारी बहन जो है बाहर से आई हुई मेहमान है, परदेसी है और वो थोड़े दिन यहाँ पर रहेंगी, लोगों को मिलेंगी, यहाँ दिखाएंगी, फिर अपने घर वापस लौट के चली आएंगी। माँ विकास अघाड़ी, माँ विकास अघाड़ी में 100% यहाँ सरकार बन रही है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री माँ विकास अघाड़ी का होगा। सर एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से कांग्रेस ने मायावती कुछ लोगों का ख्याल किया, वहीं पर एनसीपी और शिवसेना जो है मायावती को दरकिनार किया, तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए हमने माइनॉरिटीज़ के सभी लोगों को एडजस्ट किया है और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी यही माँ विकास अघाड़ी है, यही माँ विकास अघाड़ी की ताकत है। माँ विकास अघाड़ी की ताकत इस देश का संविधान है, माँ विकास अघाड़ी का ताकत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है जो इस देश के मूल रवासी है। धन्यवाद। मुस्लिम नेताओं के सामने मुसलमान क्या कहना है? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस इलाके के अंदर कोई भी साजिश किसी भी तरह की चलने वाली नहीं है। वोटर बहुत होशियार है, मतदाता बहुत होशियार है, मतदाता को पता है कि वोट काटने वालों को वोट नहीं दिया जाता है। मतदाता की लड़ाई मेरी सीधी फिरका परस्त ताकतों के साथ है, मेरी सीधी उन लोगों के साथ है जो संविधान के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ है। जो लोग इंसानियत में भरोसा रखते हैं, जो लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, वो महा विकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताएंगे पूरे महाराष्ट्र में। और मैं सलीम साहब आपके माध्यम से सारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 20 तारीख को जो वोटिंग होगी और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, मुंबा देवी में ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मार्जिन से जीत होगी, क्योंकि मुझको अपने लोगों पर पूरा विश्वास और भरोसा है।